हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इम्प्रूव इंग्लिश विद पुरी। और आज के इस वीडियो में हम 7 अल्टरनेटिव वर्ड सीखेंगे जो आप स्टूपिड की जगह पर कह सकते हो। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। द वेरी फर्स्ट इज एज थिक एज अ प्लैंक। अगर आपको बोलना हो कि कोई आदमी कितना स्टूपिड है तो आप बोल सकते हो ही इज़ एज थिक एज अ प्लैंक। हम ये फ्रेंड सर्कल में मजाक बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। द लाइट इज़ ऑन बट नोबडी इज़ होम। द लाइट इज़ ऑन बट नोबडी इज़ होम मीन्स वो कितना स्टूपिड है। द नेक्स्ट इज़ देयर इज़ नॉट मच बिटवीन द ईयर्स। देयर इज़ नॉट मच बिटवीन द ईयर्स इसका मतलब है कि उसके दिमाग में कुछ भी नहीं है, यानी वो स्टूपिड है। द नेक्स्ट इज़ नॉट द फुल टिकट। यानी कोई आदमी स्टूपिड है तो आप उसे दूसरे वर्ड्स में बोल सकते हैं नॉट द फुल टिकट, यानी वो फुल टिकट नहीं है, यानी हाफ है, मीन्स थोड़ा स्टूपिड है। नेक्स्ट इज शी इज़ वन सैंडविच शॉर्ट ऑफ अ पिकनिक। यानी स्टूपिड के लिए यूज़ कर सकते हैं हम ये वाला सैंडविच। द नेक्स्ट इज ही इज़ नॉट द शार्पेस्ट टूल इन द शेड। यानी जैसे कि पूरे टूल किट में कोई टूल ज़्यादा अच्छा होता है, कोई कम होता है, तो इसी तरह इस सेंटेंस में भी स्टूपिड के लिए आप ये वाली फ्रेज यूज़ कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू आर न्यू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर।